ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ, अपने पुत्र हर्षों और सब लाशरों की निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। प्रजापति दक्ष अपने आश्रम में जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती धुइना देखकर प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण, तात, प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं प्रजानाथ। मैं क्या करूं? जिस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे हैं वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश, प्रजापति पजजन की जो परम सुंदरी पुत्री आसिकी है उसे तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा स्वर्ग को बढ़ाओ। आसिकी जैसी कामनी के गर्भ से बहुत से संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हैश्रय कहलाए। मुनि, वे सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात, तब वे सभी दक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है जहां दिव्य सिंधु नदी का समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते हुए अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उस तीर्थ जल का निकट से ही स्पर्श करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परम हंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश से बंधे हुए थे। अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हैश्रव गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्र हैश्रव गण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हैश्रव आलस्य से दूर रहने वाले थे, जन्मकाल से बड़े ही बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवर्त्रि पारक आदेश को नहीं समझता वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि वाले और एकाग्र चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो। मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार यही कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को भी बड़ा कष्ट होता है। शिव के माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने अपने बेटे को दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी, देव का विधान प्रबल होता है, इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पजजनन कन्या आशिकी के गर्भ से शल्वाश्रव नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता के आदेश पाकर वे पुत्र भी
प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धियों को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल को स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक सबलाश्रव बड़ा प्रणव का जप करते हुए बड़ी भारी तपस्या करने में लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उत्तम जान पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया, अतः वे भाइयों के पथ पर ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए, इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना, इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, वह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पहुंचे, तुम्हें देखते ही शोभा युक्त से वेश दक्ष के ओंठ रोष से फड़कने लगे, तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने लगे और निंदा करने लगे। कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है, इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शट हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि ऋण देव ऋण और पितृ ऋण से युक्त नहीं हो पाए थे लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है वह सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने श्रेयस को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमा अधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तुम तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकावश तुम्हें ऐसा शाप दिया, वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके, शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने इस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार न आने दिया, यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं।